बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा भगवान बुद्ध से सीख लेने की हमें जरूरत, देश के लिए बेहतर कदम उठाने की मांग की। बाबा रामदेव को आईएमए ने भेजा 1,000 करोड़ का मानहानि नोटिस, आईएमए ने 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा। यास का दिख रहा तांडव, बंगाल में हल्दियापोर्ट में घुसा पानी, ओडिशा में तूफानी बारिश जारी, भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका। किसानों ने मनाया काला दिवस, पुतला जलाकर सरकार के विरोध में लगाए नारे, किसान आंदोलन के दिल्ली की सीमा पर 6 महीने पूरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की सीख ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। इससे पहले उन्होंने ट्विटर के दफ्तरों पर पुलिस की छापेमारी को लेकर कहा था कि सत्य डरता नहीं है। राहुल गांधी के बकौल हम सभी को भगवान महात्मा बुद्ध की जिंदगी के किए गए त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके सही अनुसरण से हम सब सही रास्ते पर आ सकते हैं और देश और दुनिया की भलाई कुछ बेहतर कदम उठा सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की कथित तौर पर धीमी गति को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी प्रचार का साधन बना दिया गया, जिस कारण दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता राष्ट्र भारत आज दूसरे देशों द्वारा किए जा रहे टीके के दान पर निर्भर है। प्रियंका ने सरकार से सवाल करने संबंधी अपनी जिम्मेदार कौन श्रृंखला के तहत फेसबुक पोस्ट में ये भी पूछा कि प्रधानमंत्री के अनुसार जब सरकार ने पिछले साल टीकाकरण की पूरी योजना तैयार कर ली थी, तब ये हालात आखिर पैदा क्यों हुए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने कहा है कि पिछले साल 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण में कहा कि उनकी सरकार ने टीकाकरण की पूरी योजना तैयार कर ली है। भारत के टीका उत्पादन और टीका कार्यक्रमों की विशालता के इतिहास को देखते हुए ये विश्वास करना आसान है कि मोदी सरकार इस काम को और बेहतर ढंग से करेगी। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे, दिल्ली वालों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल बोले कि वैक्सीन सप्लाई के लिए स्पुतनिक भी राजी है। यह बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को बता दे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी की सप्लाई पर जो बात है वो अब बन चुकी है, अब जल्दी दिल्ली में स्पुतनिक भी वैक्सीन मिल सकेगी। तो दिल्ली से इस वक्त की राहत भरी खबर जो है वो सामने आई है कोरोना वैक्सीन की किल्लत से। लगातार राजधानी दिल्ली जूझ रही थी और अब उसके लिए कह सकते हैं कि ये राहत भरी खबर जो है वो सामने आई है। स्पुतनिक वी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ी जानकारी दी है। आपको यहां पर बता दें, दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की सप्लाई पर जो बात है वो अब बन चुकी है, अब जल्दी दिल्ली में स्पुतनिक वी उपलब्ध हो सकेगी। तो कोरोना वैक्सीन से लगातार राजधानी दिल्ली जो है वो जूझ रही थी और अब दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई कि राज्य सरकार और स्पुतनिक वी के निर्माताओं के बीच में एक अहम बैठक हुई थी और इसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन सप्लाई के लिए स्पुतनिक वी अब राजी हो चुका है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन ने AINRC के विधायक के लक्ष्मी नारायण को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। उपराज्यपाल ने लक्ष्मी नारायण को यहां राजनिवास में शपथ दिलवाई। उन्होंने शपथ तमिल भाषा में ली है। लक्ष्मी नारायणन विधि स्नातक हैं और 2001 में वो पहली बार राजभवन क्षेत्र से जीते थे और तब से यहां से लगातार जीतते आ रहे थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वो बाद में अध्यक्ष के कक्ष में सभी निर्वाचित और मनोनीत विधायकों को शपथ दिलाएंगे। पुडुचेरी में अभी तक पूरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है।
हालांकि यहां पर AINRC और BJP मिलकर गठबंधन सरकार चलाएंगे। और नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए किसानों को 6 महीने का वक्त आज हो चुका है। ऐसे में किसानों ने पूरे देश में काला दिवस मनाने का फैसला किया और मनाया जा रहा है। किसानों ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाते हुए बताया कि किसान 6 महीने बाद भी हारे नहीं हैं और जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं किसान घर जाने वाले नहीं है। इसी बीच आज सिंघू बॉर्डर पर भी काला दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। किसानों ने नए कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस दौरान महिलाओं की भागीदारी खासा संख्या में देखने को मिली। आपको यहां ये भी बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार को आज 7 साल हुए हैं, जिसके चलते किसान खास तौर पर इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। और आज हम 6 महीने हो गए हमारे आंदोलन को और मोदी सरकार को 7 साल हो गए हैं और मोदी सरकार की नीतियों से सभी कुछ प्राइवेट कर दिया गया है और सभी वर्गों का बुरा हाल है। कोरोना पिछले साल आया था और पिछले साल कोरोना से लोगों को बचाने के लिए कोई भी मेडिकल सहूलत नहीं देगी और जो किसानों ने अनाज दिया लोगों को और इम्यूनिटी बढ़ाई और बहुत सारी जनता बची रहेगी जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा तो वो भी खत्म करने के लिए आज जब कोरोना दूसरी बार पड़ा है तो पिछले साल ही मोदी सरकार ने अनाज है जो कॉर्पोरेट किसानों को देने के लिए कानून ले आए और खेती को खत्म करने के वाले कानून ले आए उसके विरुद्ध में हमारा आंदोलन चल रहा है। देशव्यापी जथेबंदियां लड़ रही हैं और आज हमने 6 महीने पूरे होने को सरकार ने हमारी 11 दौर की बातचीत हुई उसमें सरकार ने माना कि ये बिल जो है किसान विरोधी है और हमने जो बताया वो बोलते हैं कि इसको शोध कर देते हैं लेकिन इसको दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का बुधवार को 6 महीना पूरा हो गया है। बुधवार को ही मौजूदा केंद्र सरकार को लगातार सत्ता में बने 7 साल भी पूरे हो गए। किसान इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस पर किसान नेता हनान मौल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनाते हैं आपको। मुद्दा यही है किसान 6 महीना से लड़ाई लड़ रहा है 3 काला कानून वापस लो और MSP का कानून बनाओ जो कि किसान के जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है मगर सरकार जनता के आवाज़ अनदेखी करके जबरदस्ती वो काला कानून लागू करने का कोशिश कर रहा है इसलिए इसके खिलाफ 6 महीना से किसान पूरा देश का आंदोलन कर रहा है। ये इतिहास में भारत का सबसे बड़ा सबसे एकताबद्ध सबसे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन है जो कि आज 6 महीना पूरा हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं जहाँ आंदोलन चर्चा से समाधान हो सकता सरकार और किसान के बीच में सरकार बोलता है हम तैयार है कहाँ है। हम लोग लेटर दिया है 1 महीना पहले प्रधानमंत्री को ये बहुत लंबा हो गया आपका जिम्मेदारी है चर्चा करो अपना नागरिक का समस्या हल करो मगर अनफॉर्चुनेटली सरकार अब नहीं चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा खिलाफ आज पूरे देश में किसान प्रतिवाद करने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए पूरा देश में काला दिवस मथुरा बलदेव में भागियों ने 3 कृषि कानूनों को लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है। काले झंडे और काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। जिस तरह किसान 6 महीनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया आक्रोशित हैं। इसको लेकर किसानों द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसको लेकर पूरे मथुरा में किसानों द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। विरोध राष्ट्रीय आह्वान पर किया गया है और जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन्होंने किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए उनका पुतला फूका गया है और काले झंडे दिखाकर जो है काला दिवस मनाया गया है। FIR आज राष्ट्रीय आह्वान पर जो संयुक्त राष्ट्रीय किसान मोर्चा है उसके आह्वान पर काला दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में 26 तारीख को। आज पूरे 6 महीने हो गए किसानों को वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए परंतु मोदी सरकार ने अभी तक उसके कान में जू नहीं रेंगी है और कृषि कानूनों को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। इसको लेके पूरे भारतवर्ष में आज किसान काला दिवस मना रहे हैं इसीलिए हमने आज अपने कैंप कार्यालय पे और ये मोदी सरकार का पुतला दहन किया है और काले झंडे।
एलोपैथी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव को 1,000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर वो अपने बयानों के विरोध वाला वीडियो पोस्ट नहीं करते या फिर अगले 15 दिनों में लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो बाबा रामदेव से एलोपैथी का मजाक बनाने के एवज में 1,000 करोड़ रुपए मानहानि दावा ठोका जाएगा। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले आईएमए ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो पर आपत्ति जताई थी जिसमें रामदेव ने दावा किया था कि एलोपैथी बकवास विज्ञान है और कोरोना मरीजों का इलाज करने में असफल रही है। विवाद के बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एलोपैथी के बारे में दिए गए योग गुरु रामदेव के बयान को रविवार को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्हें इसे वापस लेने को कहा, जिसके बाद रामदेव ने बयान वापस ले लिया। दिल्ली में आज ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में इसी तरह और भी सेंटर खुलने वाले हैं। दिल्ली में वैक्सीन की कमी हो गई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें जल्द वैक्सीन मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया वैक्सीन द्वारका में अंडर प्रिविलेज के लिए फ्री है। विदेशी कंपनी मॉडर्ना फाइजर दोनों ने कहा कि उनकी वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित है, लेकिन इस वैक्सीन को हमारे देश में इस्तेमाल करने की परमिशन अभी नहीं मिली है। इसमें अब केंद्र सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं और लोगों को उससे काफ़ी मदद मिलेगी। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी, ताकि हम जो अब स्पीड कम हो गई है, सारे सेंटर बंद हो गए हैं। दिल्ली में नहीं, मैं देश भर में देख रहा था, देश भर में कई राज्यों के अंदर सेंटर बंद होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे और ज्यादा से ज्यादा सेंटर खुले। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी अरुण द्विवेदी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया है। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटे से नियुक्ति पर घमासान छिड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई ने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार भी कर लिया है। सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में मंत्री के भाई की नियुक्ति ईडब्ल्यूएस कोटे से हुई थी और विवादों में घिरने के बाद उन्होंने अब ये बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर अरुण पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नौकरी में रहते हुए उन्हें करीब 70,000 रुपए मासिक से ज्यादा वेतन मिलते हुए भी गलत ढंग से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हासिल किया था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस वार्ता करते हुए कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर अपडेट दिया है। तो साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना रहा सत्येंद्र जैन का। 1568 पॉजिटिव केस आए थे, जो पॉजिटिविटी थी 2.14%। पॉजिटिविटी एक टाइम पर 36% तक चली गई थी, जो धीरे धीरे कम होते हुए अब 2% के आसपास आ गया है। 2 से इस आज जो बुलेटिन आएगा 2 से भी थोड़ा कम होगा। पॉजिटिविटी भी कम है, नंबर ऑफ केसेस भी पहले से कम है। मुझे लगता है इसका सीधा सीधा असर लॉकडाउन की वजह से दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो भी अब बेड काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास खाली हैं। आईसीयू बेड्स भी अब लगभग आधे से ज़्यादा आईसीयू बेड भी खाली हो गए, आधे के करीब है। तो आईसीयू बेड भी खाली होने काफ़ी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो पूरा का पूरा आईसीयू बेड अभी 2900 खाली है आउट ऑफ 68। से थोड़े केसेस 23 तारीख के मुकाबले 2425 को जो केसेस आए हैं वो 100 से नीचे हैं प्रतिदिन, परंतु उससे पहले 200 से ज़्यादा आ रहे थे। सर कल कितने आ गए? एक दिन का नंबर, एक दिन का नंबर लगभग 70 करीब, उसमें से मतलब 1/3 दिल्ली के, 2/3 दिल्ली के, 1/3 बाहर के। सर दवाई की बहुत किल्लत है ब्लैक, देखिए ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा अलोकेट करती है और उस कोटे के हिसाब से दिल्ली को जो कोटा मिल रहा है वो दिल्ली में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है और इसकी दवाई की बहुत बड़ी किल्लत है। हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इंजेक्शन दिए। एक पेशेंट को 6 लगते हैं, तो हमारे को जैसे कल 370 मिले या 400 मिले, तो 400 में से तो कितने लोगों को लग पाएगा? 50-60-70 लोगों को लग पाएगा। 600 पेशेंट एडमिटेड हैं ऑलरेडी, सर्जरीज भी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे अस्पतालों के अंदर पेशेंट एडमिट हैं, प्राइवेट के अंदर भी, सरकारी के अंदर भी। समस्या बस ये जो इंजेक्शन है इसकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सर एक ये अभी तक थ्योरी थी कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं, स्टेरॉइड जिनको दिया गया है, ब्लड शुगर जिनमें ज्यादा है, उन लोगों को ये ब्लैक फंगस होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको ये सारी समस्याएं नहीं है, स्टेरॉइड नहीं दिया गया, उसके बावजूद ये केस मिल रहा है। देखो इसके पीछे क्या है कारण, कुछ बता पाते? ये ना ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड और कोरोना और आपको डायबिटीज़ सारे होने चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं और कोरोना है, स्टीरॉयड नहीं भी दिए तो भी आप रिस्क पे है। स्टीरॉयड देने से दो चीज़ें होती हैं, आपका शुगर लेवल शूट अप करते हैं, इम्यूनिटी कम होती है। तो स्टीरॉयड देने से दोनों चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। स्टीरॉयड नहीं दिए और शुगर अनकंट्रोल्ड है तो भी उतना ही रिस्क है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, कोरोना हुआ है आपको, तो वो जितने भी केस आ रहे हैं, मेरी पर्सनल नॉलेज में भी, वैसे भी लोगों से बात किया, सारे केस ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ है। पहली चीज़ तो ये होगी कोरोना हो गया। अब कोरोना के बाद दो चीज़ें हैं, अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो स्टीरॉयड नहीं लिए तब भी हो सकता है, और स्टीरॉयड लेने से क्योंकि शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो इसलिए चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और स्टीरॉयड लेने से इम्यूनिटी भी कम। तो लॉकडाउन होने की वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गई, पिछले 1.5 महीने से रुकी हुई है। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनका काम रुक गया है। उसके अलावा 450 मोहल्ला क्लिनिक हमारे तैयार हैं, जो चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, कि मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट को एडमिट किया गया। वो OPD है, सबको पता है, जनता को तो पता है अच्छी तरह। OPD के अंदर एडमिशन नहीं होते हैं। कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक में पेशेंट गए, ज़्यादा बुखार वाले पेशेंट जा रहे थे, उनको चेक किया जा रहा था, तो उनको कहते थे भाई आपको लगता है कि कोरोना टेस्ट कराओ। तो बहुत बड़ी उन्होंने सेवा की है और मोहल्ला क्लिनिक अभी भी दिन रात काम कर रहे हैं। जिनकी बात आपने की है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और काम रुक गया है,
ग्रोथ रुका हुआ है, लगभग लगभग सारे चल रहे हैं, 10-15 को छोड़ के। उसकी वजह ये थी कि जो काफ़ी जो उसमें डॉक्टर्स मान लो खुद इन्फेक्ट हो गए, पॉजिटिव आ गए, उसकी वजह से थोड़े दिनों के लिए बंद हो सकता है। देखिए यूथ के जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, और वैक्सीन कहीं नहीं है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जल्द से जल्द दिला दिया। ग्लोबल टेंडर को लेकर बात हो रही थी, क्या आप लोगों को कहीं और मिल पाया है, कहीं और उपाय? ये तो मजाक सा हो गया है ग्लोबल टेंडर ना, कि जी आपको क्या करा कि सारा कंट्रोल तो केंद्र सरकार का, बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान में अलाउड कौन से हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड और तीसरी स्पुतनिक, सब देंगे केंद्र सरकार की मर्जी से, कहते ग्लोबल टेंडर कर लो। अगर ग्लोबल टेंडर में कोई कंपनी आ भी जाती, पहली बात तो उन्होंने मना कर दिया, दो तीन कंपनियों ने तो हमसे भी कह दिया, मोडर्ना ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, हम आपसे नहीं करेंगे। वो आ भी जाए तो अभी तो ऑथराइज ही नहीं है, ये तो क्या है कि अपनी जिम्मेदारी को दूसरी तरफ शिफ्ट करने वाली बात। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज की महामारी के बाद अब सरकार ने मान लिया है कि इंजेक्शन और दवा की अभी कमी है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इलाज के लिए कारगर कहे जाने वाले एन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी है। उन्होंने कहा विकल्प के लिए दूसरी दवाइयां मंगवाई गई है। सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ब्लैकनिंग होती है, सूजन आती है, ब्लैकनिंग होती है, दांतों में आपके दर्द होगा, फेस पे सूजन आएगी, नाक से डार्क खून निकलने लगेगा, और ये सब देखेंगे आप इसमें ब्लैकिश मिक्स रहता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे इसको बड़े हिंदी में यदि कहूँ तो जैसे आप देखेंगे खाने के डबल ब्रेड वगैरह हो या रोटी हो जिसपे फंगस लग जाती है और कालापन आ जाता है, तो ये एक तरह की चीज़ है जो दीमक जैसी लगती है और अंदर ही अंदर हर चीज़ को पूरा नष्ट कर देती है। इसमें जो म्यूकोरमाइकोसिस है यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है उसको हम एट्रीब्यूट कर रहे थे कि ये कोरोना के कारण हो रही है, और कोरोना में हमने जो ऑक्सीजन वगैरह दिए वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन वाटर हम स्टराइल नहीं यूज़ करें, या कंटामिनेटेड ट्यूब थी या कंटामिनेशन पानी में था, या ऑक्सीजन जो आई वो सिलेंडर में कंटामिनेशन था। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड या लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज में पेशेंट है, पेशेंट टू पेशेंट हम एक प्रोफार्मा के माध्यम से इसकी स्टडी करा रहे हैं। ये बात सही है कि कुछ ऐसे पेशेंट भी मिले हैं जिनमें डायबिटीज़ नहीं है, पर ये सब स्टडी के बाद ही समझ में आएगा कि क्या कुछ इसके रिजल्ट आते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये क्योंकि वैसे तो पहले भी ब्लैक फंगस की बीमारियाँ बहुत कम स्तर पर लोगों को होती थी, क्योंकि ब्लैक फंगस तो एटमॉस्फेयर में है, जिसकी इम्यूनिटी ऐसा मानते हैं विशेषज्ञ की इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर होती है उसमें ये रोग हो जाता है। अभी ये देखने को मिला था कि कोविड के जो पेशेंट हैं उनमें बहुत तेज़ी से ये मिला, पर कुछ ऐसे भी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बड़ा बयान देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों को चुनावी दौरा बता दिया है। तो साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तमाम आरोप लगाए, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर जनपद में जा रहे हैं, मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है, क्या आप उन गाँव में आयरौली दान सरिया पट्टी, बाघा चौर, मुन्नी पट्टी, ये तमाम हमारे क्षेत्र के गांव हैं जहां अत्यधिक लोग इस महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, क्या वहां जाएंगे? क्या बहादुरपुर, सलेमगढ़, समौर, रामपुर बरहन खानगी और अन्य तमाम एडिशनल पीएससीज बंद हैं उनको चालू कराने का कोई आपके मन में प्लान है? क्या वहां डॉक्टर और कर्मचारी जो प्रदेश भर के तमाम एडिशनल पीएससीज और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं वहां डॉक्टर और कर्मचारियों की नियुक्ति करके उसको चालू कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? बैठक करना, भाषण देना, न जनप्रतिनिधि से मिलना, न प्रधानों से मिलना, न गांव के लोगों से मिलना, तो किस बात की बैठक? वो जा रहे हैं, मीडिया के लोग पहले से पहुँचे हुए हैं, अधिकारी बैठ गए, डाटा दे दिया, काम खत्म।
फिर हवाई जहाज में उड़न खटोला में गिन 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 उड़ के दूसरे जिले। इसके अलावा क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कहीं एक डॉक्टर की नई पोस्टिंग की है? कहीं एक कर्मचारी की नई पोस्टिंग की है? कहीं एक भी नए अस्पताल की शुरुआत की है? नहीं की है। तो ये तो चुनावी दौरा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने खुले तौर से समर्थन का पत्र लिखा है और तमाम राजनीतिक दलों ने भी किसानों के आंदोलन के साथ खड़े होने की बात की है। निश्चित तौर से किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये सरकार नीलज सरकार है, जहां 6 महीने से अधिक होने के बाद भी आंदोलन अब तक निर्णय लेने ना, ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। वक्त बदलता है, समय सब कुछ सिखा देगा इस सरकार। शिक्षकों का मरना, संयुक्त तमाम कर्मचारियों का मरना, डॉक्टरों का मरना, आंगनबाड़ी आशा रोजगार सेवक और पंचायत मित्रों का मरना, ये बड़े पैमाने पर त्रासदी हुई है। और मैं समझता हूँ डॉक्टरों को खोना ये अपने आप में घोर चिंता का विषय। खबर दोपहर में, खबरें अभी और भी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेलों से बंदियों की रिहाई अभी तक जारी है। कोरोना के चलते जेलों में भीड़ कम करने के लिए बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, अभी तक कैदियों को जेलों से बाहर निकाला जा रहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कमेटी के आदेश के बाद रिहाई अभी तक जारी है। अब तक कुल 1,660 सजा याफ्ता कैदियों को रिहा किया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के चलते, क्योंकि कोरोना लगातार फैलता जा रहा था। 8,463 विचाराधीन बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए। अब उत्तर प्रदेश की 71 जेलों में कुल बंदी तकरीबन 1.5 लाख अभी मौजूद हैं और लगातार कोशिश यही है कि कोरोना के चलते जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका पालन किया जाए और उसी आदेश के मुताबिक लगातार भीड़ कम करने के लिए जो बंदी है उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ की वजह से कई जेलों के मामले सामने आए थे। कोरोना के पॉजिटिव केस, कई ऐसे बंदी थे जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया कि अब कैदियों को कम किया जाए। तो कुछ दिन की रिहाई कैदियों को उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल से दी जा रही है, लेकिन विचाराधीन बंदी जो है वो अभी जमानत पर रिहा किए जाएंगे। तकरीबन 71 जेलों में 1.5 लाख कैदी अभी मौजूद हैं। अनुज कुमार संवाददाता इस समय लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनुज, अभी तक जो कैदी हैं उनका जेल से भेजा जाना बरकरार है?
जी बिल्कुल, अब जैसे जैसे कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए जिलों में जो बुजुर्ग जो कैदी थे, जो कि ज्यादा एजेड हो चुके थे, काफी साल उन्होंने उस जेल में समय बिता दिया था, क्योंकि क्षमता के अनुसार वहाँ पे जो भीड़ भाड़ है उसको कम करना था, क्योंकि जेल में जरूरत से ज्यादा कैदी वहाँ पे थे, जिसको अलग अलग जगहों पे शिफ्ट करने के साथ लोगों को पैरोल से और कुछ गैर जमानती से बाहर भेजा जा रहा था, जिसमें 50 जो कैदी थे 1660 बाहर रिहा किए गए हैं। विचाराधीन जो है 8,764 उत्तर प्रदेश की 70 जिलों में कुल जो बंदी है वो 1,00,000 के ऊपर है। इसको देखते हुए राज्य सरकार से भी अपील की गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उसकी अध्यक्षता में टीम गठित करने के बाद ये आदेश दिया गया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोरोना केसेस को लेकर उसमें सख्त हिदायत दी थी कि किसी न किसी भी कीमत में किसी भी बुजुर्ग और व्यक्ति जो है जो सजाए पाए उसको रिहा किया जाए और जो जेल के अंदर जो स्ट्रेंथ है यानी जो भीड़ है उसको कम किया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसी को देखते हुए जेलों के अंदर जो भी कैदी थे जो सजाए पाए थे या ज्यादा समय बिता चुके थे और जो 7 से कम की सजा वाले थे, यानी IPC में 7 से कम सजा वाले जो व्यक्ति थे उनको भी पैरोल और बेल देकर उनको बाहर किया जाए, जिसके बाद में कोरोना के संक्रमण को काबू पाने में काफी हद तक हिदायत काबू पास मिल सकती है। जी अनुज, हमने पिछले साल भी देखा था कुछ कैदियों को जेल से बाहर किया गया था ताकि कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके, ठीक वैसे ही इस साल भी लगातार किया जा रहा है। पैरोल दी जा रही है, अभी इनको रिहाई दी जा रही है, कब तक इनको वापस बुला लिया जाएगा, क्या हालात सामान्य होने तक? बिल्कुल, जो कोरोना वायरस जो सेकंड वेव आई है उसको देखते हुए बहुत पहले वेव से ज्यादा खतरनाक वेव है, ऐसे में सरकार ने निर्णय लेते हुए इन लोग को फिलहाल अभी पैरोल पर और जेल पर इनको बाहर भेज दिया है। जो बुजुर्ग कैदी है उनको भी रिहा करने के बाद उनको बाहर में ही रहने को हिदायत दी गई है। अगर जैसे ही हालात सही होते हैं मतलब अनुकूल होते हैं तो जल्द ही जो हाई रिस्क कैदी होंगे उनको वापस आना पड़ेगा। हालांकि पुलिस की निगरानी में लगातार उनकी एक वॉचिंग की जा रही है मॉनिटर के जरिए। दूसरी ओर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, मेरे पहले बार बार पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनको सजाए पास को फिलहाल रिहा कर दिया गया और जो 7 से कम के कैदी है उनको बेल देकर घर की ओर रवाना कर दिया गया, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या को देखते हुए उसको कम करने की हिदायत देते हुए इन लोगों को बाहर करने के लिए ही अर्जी दी गई थी, जिसकी हाईकोर्ट की अध्यक्षता में चीफ जस्टिस की कमेटी ने यह फैसला सुनाया था। आपका पूरी जानकारी के लिए, तो लखनऊ की जेलों से जो कैदी हैं उनको लगातार रिहा किया जा रहा है ताकि जेलों में कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। पिछले साल भी जब पहली लहर आई थी तो ऐसा ही किया गया था और इस बार भी संक्रमण को कम करने के लिए कैदियों को रिहा किया जा रहा है। और सीएम योगी के दौरे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कटाक्ष किया है। तो साथ ही कोरोना के हालातों पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। क्या कर रहे थे ये दौरे तब क्यों नहीं हुए, जब पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में आपको 10-11 महीने मिले थे? उस समय अगर आप दौरे करते, सबको मालूम था, इंटरनेशनल क्वालिटी, देश के लोगों ने कहा था, वैज्ञानिकों ने कहा था कि दूसरी वेव आएगी। बताएं क्या तैयारी हुई उसकी? इतनी ढेर सारी मौतें इस बार हुई हैं, पिछली बार नहीं हुई थी। उसका एकमात्र कारण है कि वार्निंग देके पहली वेव आई नहीं, पर दूसरी तो वार्निंग देके आई। साधारण सी तैयारियां नहीं है, चिकित्सकों के पद खाली हैं, तमाम PSC में कोई डॉक्टर नहीं है, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, दवाओं की कमी है, और इंजेक्शन जो लगना था, जो वैक्सीन जो लगनी थी, जो ऑक्सीजन जरूरी थी, सब भाजपा की केंद्रीय सरकार ने चंद पूंजीपतियों, खासतौर से पूना वाले जैसे लोगों को कमवाने के लिए, उनकी तिजोरी भरने के लिए हिंदुस्तान से बाहर 72 देशों को भेज दी। नतीजा है हमारे हिंदुस्तानी घुट घुट कर एक एक सांस के लिए मरते रहे और याद करते रहे मोदी जी क्यों ऐसा किया। अगर आपने ये ऑक्सीजन बाहर न भेजी होती तो हम बच जाते। निश्चित रूप से 513 डॉक्टरों की जो फिगर वो दे रहे हैं सही होगी, इससे भी ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर जिस तरीके से
इस विपदा का, महामारी का सामना किया है, उसके लिए इन कोरोना योद्धाओं को हम सलूट करते हैं। पर सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इनको भरपूर मुआवजा दिया जाए, और अगर परिवार में कोई ऐसा हो जो इनकी जगह रह सकता है नौकरी में, उसे दी जाए, और अगर वो भी नहीं हो सकता तो जैसे सैनिक या हमारे सीमा सुरक्षा बल के लोग सीमाओं पर मरते हैं, वैसे ही इन्होंने भी, तो आप जानते थे कोरोना जानलेवा बीमारी है, पर अपने प्राणों को दांव पर लगाकर इन लोगों ने काम किया है। तो इनके परिवार को अगर आउट ऑफ टर्न पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी दी जाए तो जिस परिवार में कोई नहीं बचा है उसे मदद मिलेगी। संयुक्त मोर्चा जो काला दिवस मना रहा है, उसको हमने पहले भी उसकी मांगे जायज मानी है। और कोविड महामारी की चपेट में आकर जिन बच्चों ने अपने माता पिता और अपने परिवार को खो दिया था, उनके भविष्य को अंधकार से बचाने के लिए कई हाथ अब आगे बढ़ने लगे हैं। और इस कड़ी में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। हजरात, इस वक्त हमारा मुल्क और सूबे उत्तर प्रदेश कोविड की वजह से बहुत ही खराब हालात से गुजर रहा है, और इस वबा की जद में आकर के बड़ी तादाद में लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिसकी की वजह से एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो कि यतीम हो चुकी है। लिहाजा हम लोगों ने शाहीन अकेडमी लखनऊ, जो कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में कायम है, उसमें यह फैसला किया है कि ऐसे वो बच्चे जो कि कोविड की वजह से यतीम हो गए हैं, उनको हम लोग अपनी अकेडमी में फुल स्कॉलरशिप दे करके फ्री में और मुफ्त में इंशाल्लाह तालीम और एजुकेशन देंगे, जिससे कि उन बच्चों की एजुकेशन पर ज़र्रा बराबर भी कोई भी सवाल ना उठे, और उन बच्चों के मुस्तकबिल कहीं से भी तारीख ना हो सके, बल्कि ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन से रोशन हो। इस बात को यकीनी इंशाल्लाह शाहीन अकेडमी लखनऊ बनाएगी। तो आइए आप हजरात भी हम लोगों का साथ दीजिए, ऐसे बच्चे जहां कहीं भी हों उनको हमारे देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। हालांकि कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और देश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में रेडक्रॉस सोसाइटी के कलाकारों ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए सड़कों पर पेंटिंग बनाई है, जिसमें इन कलाकारों ने जम्मू की सड़कों पर आकर्षक पेंटिंग बनाकर जागरूक करने के साथ साथ लोगों में सकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया है। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रेडक्रॉस सोसाइटी है, उसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम जो जम्मू है उसके डिफरेंट चौक पर पेंटिंग करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जम्मू में डेथ रेट काफी ज्यादा हो गया है, केसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो उनके हिसाब से हम पेंटिंग्स कर रहे हैं। जैसे हमारी पहली जो पेंटिंग थी, हमने उसमें जिक्र किया था कि जान है तो जहान है, क्योंकि उस टाइम डेथ रेट काफी ज्यादा हो गया था जम्मू सिटी का, तो जिस वजह से हम लोगों को जागरूक कर रहे थे कि अभी सबसे पहले आप अपनी जान को देखिए, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। ऐसे ही हमने डिफरेंट पेंटिंग्स और बनाई थी, जैसे इंजेक्शन जरूर लगवाएं, कोरोना से डरे इंजेक्शन से नहीं, कि वैक्सीनेशन के लिए अवेयर कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा काफी र्यूमर्स है यहाँ पे कि इंजेक्शन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता है, इंजेक्शन हमारी ही सेफ्टी के लिए है। और हमने काफी और मैसेजेस दिए थे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर लोग परेशान हैं। आज मुंबई कांग्रेस द्वारा मुंबई समेत महाराष्ट्र में जगह जगह बैनर लगाए गए हैं। साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर से वैक्सीन को लेकर मुंबई में धरना प्रदर्शन किया है और मानव श्रृंखला भी बनाई है। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने हाथ में बैनर लेकर शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए ये मांग की है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द भारत को और महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराएंगे तो ये आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को मुंबई में वैक्सीन नहीं लग पा रही, उसको लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। कांग्रेस ने एक बैनर लगाया था बीच में, जिसमें साफ तौर पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी, उसको लेकर मुंबई के कई जगह पर बैनर लगाए गए थे। लेकिन इस दौरान भाजपा ने उस बैनर को निकाल दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में आई है और कांग्रेस ने मांग की है वह रोड शो करेंगे, रोड के ऊपर जो है
अब जो है वैक्सीन की मांग करेंगे और मोदी जी का विरोध करेंगे। ऐसे में दहिसर के विभाग में हम उपस्थित हैं, जहां पर कांग्रेसियों द्वारा लगातार रोड पर बैनर पोस्टर लगाकर ये कहा जा रहा है कि मोदी जी हमारे बच्चों के हिस्से वाली वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। इसके लिए हमारे साथ ज्योति प्रसाद गुप्ता जी हैं। सर, किस तरह का धरना प्रदर्शन है और किस तरह की मांग बताइए? ये केंद्र सरकार जो महाराष्ट्र के साथ में दोगलापन कर रही है उसके विरोध में, और दूसरा ये है कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं, और जो वैक्सीन बनते हैं यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट करके महंगी दवाइयों को महंगा किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन रहेगा और कब तक इस तरह का प्रदर्शन करेंगे आप लोग? ये हम लोग केंद्र सरकार विरोध में पूरे महाराष्ट्र पूरे भारत में कर रहे हैं, जब तक हम लोगों के मतलब लोगों को वैक्सीन नहीं मिलते और हमारे लोगों को हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलता और एक्सपोर्ट बंद नहीं करते तब तक। मुंबई में कांग्रेस द्वारा लगातार मुंबई के सभी विभाग में इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि अगर केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अमल नहीं करती तो जाहिर तौर पर इससे बड़ा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो बिल्कुल मौन आंदोलन है, एक जगह स्थिर होकर सिर्फ बैनर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मोदी जी इन पर ध्यान दीजिए, लेकिन अगर मोदी जी ध्यान नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर इनका प्रदर्शन जो है और विकराल होगा। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले हर किसी को वैक्सीन लग जाए, इसके लिए यूपी के कानपुर में प्रशासन ने ग्रीन पार्क में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाने का निर्णय लिया है और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। यहां पर उपचार कक्ष बनाया गया है ताकि वैक्सीनेशन के बाद किसी को कोई समस्या ना हो और तुरंत उपचार मिल सके। इसके अलावा वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। वैक्सीन लगने के बाद लाभार्थी को 30 मिनट तक यहां बैठना होगा। शिविर के समापन की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसके लिए गांव में डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सर, हमने तो सोचा था कि सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो है स्टेडियम में बहुत सारी सुविधाएं हैं ये सब, लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि जो सुविधा वहाँ दी गई थी लिखी थी वो सुविधा तो उस हिसाब से जो है सोशल डिस्टेंसिंग ये वगैरह मुझे नहीं लग रहा है। जी हम लोग बहुत देर से आके परेशान हैं। सर, 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया अभी तक। ये तो आप कितना प्रिकॉशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश कोविड-19 संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लगातार जिलों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए जहां तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं ब्लैक फंगस के मुद्दों पर भी स्वास्थ्य अधिकारियों को उचित व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जिले में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बाद लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और अब सफेद फंगस के बाद अब पीले फंगस की भी खबरें सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए जिसमें एक मरीज की मौत हो चुकी है। दूसरे ब्लैक फंगस के रोगी का लखनऊ में इलाज चल रहा है। गोंडा का स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस के रोगी के इलाज के लिए ENT विशेषज्ञ और आई सर्जन को नामित कर दिया गया है। जैसे ही इसके मामले जिला अस्पताल में आएंगे तो दोनों सर्जन मरीज का परीक्षण करने के बाद समुचित इलाज करेंगे। तो देश भर में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है, वहीं महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, लेकिन यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो खाकी पर व्यापारी हावी हो जाते हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के जलगांव का है, जहां पर जामनेर तहसील के फतेहपुर में नियम के अनुसार 11 बजे बाजार बंद करने गए पुलिसकर्मियों पर फल विक्रेताओं ने हमला बोल दिया। पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की गई और बाद में अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर पहुंचा और दुकानों को बंद करवाया गया और अतिक्रमण को भी हटाया गया। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।